Hey, hello and welcome back, future doctors. So everybody came show. I mean, कैसे हो आप लोग और कैसे जा रही है आपकी पढ़ाई स्टडी, किस तरीके की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ठीक है? और उसको मेंटेन रखना है यार, ठीक है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स इस समय आप बाकी लेक्चर से पहले सीख रहे हो और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कंप्लीटली आपने सीख लेना है, अच्छे तरीके से सीख लेना, ओके? तो काफी वीडियोस ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आप तक जल्दी जल्दी आती रहेंगे और आपने इसको विद इन टाइम कंप्लीट कर लेना है और ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लेना है। फिर आने वाले जो भी नेक्स्ट लेक्चर मोशन के आपके पास होने वाले हैं, बहुत ईजी आपके लिए आपको लगने लगेंगे और उनके क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप के हैं ना, वो भी आप सॉल्व करने लगोगे, ओके? सो होप सो आप मस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, और कंटेंट की बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को बार बार आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एंड जो डाउट्स हैं बस उन पे आपने ख्याल रखना है, उनको आप टाइम के अकॉर्डिंग क्लियर करते रहें, आने वाले टाइम के लिए उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये बस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? सो आज हम जो बात करने वाले, देखो जो मेन कंसेप्ट है आपके पास डिफरेंशिएशन, वो ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं और उसका सारा बेसिक कंसेप्ट और कुछ अच्छे कंसेप्ट ऑलरेडी आपके पास है। कैसे यूज करना है, उसका बेसिक यूज क्या होता है, वो हम सीख चुके हैं। आज हम एक और बेहतरीन एप्लीकेशन इसका सीखने वाले हैं, इसका यूज सीखने वाले हैं। व्हाट इज दैट? द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा, ठीक है? आप यहाँ पे आज बात करने वाले हो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? सो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? तो मतलब इसका क्या है सर? मतलब इसका होता है हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अगर वो क्वेश्चन में ये ना बोले कि यार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो जस्ट, वो बोले आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, फोर्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, नहीं, उसके मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए भी हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है? यानी टू मैक्सिमाइज अ फंक्शन और टू मिनिमाइज अ फंक्शन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल। तो इसका यूज कैसे करना आज जल्दी से सिखाने वाला हूं, बहुत छोटे से लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप की सिचुएशन जब हमारे न्यूमेरिकल में आएंगी तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि काफी जगह ये यूज होता है, ठीक है? तो जब भी बस एक वर्डिंग पे आपने ध्यान देना है, व्हाट इज दैट सर? मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब जब भी वो किसी क्वेश्चन में किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की कैलकुलेशन की बात करेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये कॉन्सेप्ट जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है? सो लेट्स सी, आराम से फील करके देखना है, समझना है कि है क्या। एक दो एग्जांपल करा दूंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, ठीक है? सो यहां पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच सिखाऊंगा, कंसेप्ट जस्ट थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आएगा कैसे, यूज कैसे करना, पहचानना कैसे है, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी, मेरे पास एक फंक्शन है वाई है, ठीक है? और वाई आपको एक्स के टर्म्स में दे रखा है कुछ इस तरीके से, कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया, या फिर वाई दे रखा आपको या एक्स दे रखा है आपको, ऐसा नहीं है। अगर मैंने यहां लिखा है तो यहां एक्स लिखा, मैंने वाई को एक्स के टर्म्स में लिखूंगा ऑब्वियसली, या फिर आपने लिखा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस वन कुछ ऐसे लिख दिया, या आपने एक्स लिख दिया टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन ऐसे लिख दिया, एक फंक्शन आपने लिखा है, ठीक है ना? आप समझ जाएंगे इस बात को। अब वो बोल रहा है कि फाइंड, अगर बोलता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, और अगर मैक्सिमम नहीं बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ वाई, चाहे इसमें पूछे, इसमें पूछे, इसमें पूछे, इसमें पूछेगा तो एक्स की पूछेगा ना, तो ऐसा कुछ सिस्टम अगर बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस वो पूछता है, तो सबसे पहले इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी ये चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा होगी भी कि नहीं होगी, वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, क्या होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आप पहचान करना सीखो कि क्वेश्चन कैसे आता है और आपने कैसे यूज करना है। y की जगह कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन को पूछ सकता है, मतलब तो कुछ भी हो, यहाँ पे जो फंक्शन उसको मेंटेन करना होगा, फोर्स को मैक्सिमम करना है, एनर्जी को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है, पूरे फिजिक्स के अंदर की बात कर रहा हूं। तो जब भी ऐसी बातें करें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्या होता है दोस्तों, वो जो भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ वाई दे रखा है एक्स के टर्म्स में, सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन है ना, मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा आपको, जिससे आप बहुत इजीली इसको अप्रोच को सीख जाओ। स्टेप वन, फाइंड
dy ओवर dx, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके टर्म्स में दे रखा है वेरिएबल, वो फाइंड कर लेना है. ठीक है, ठीक है. फाइंड dy ओवर dx एंड पुट, ठीक है, एंड पुट dy ओवर dx इक्वल टू जीरो. ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रोसेस हो गया स्टेप नंबर वन. ये किसके लिए कर रहा है? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y. ये कंडीशन है नेसेसरी कि अगर आप y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसका डेरिवेशन, डेरिवेशन बोल रहा हूं यार, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो उस फंक्शन का, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिसके टर्म्स में वो गिवन है. जैसे y x के टर्म्स में है तो dy ओवर dx, और उसको इक्वल टू पुट जीरो करना है. देन जैसे आपने कर दिया स्टेप नंबर वन, अब हम अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर टू. ठीक है, स्टेप नंबर टू में क्या होगा सर, ध्यान से समझते जाना. ठीक है, स्टेप नंबर टू में क्या होगा, ध्यान से समझते जाना. देन फाइंड, ठीक है, फाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. सर ये क्या बता दिया भाई, इसको बोलते हैं जब भी डी के ऊपर स्क्वायर लगाओ, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. मतलब जो वैल्यू यहां से डिफरेंशिएट होके आई होगी, उसको एक बार वो डिफरेंशिएट करेंगे, तब ये फाइंड करनी है. ठीक है, अब वापस आओ थोड़ा इधर. ठीक है, जैसे आपने dy ओवर dx इक्वल टू जीरो किया था, तो सर इसको जीरो करने से क्या होगा, यहां से आपने क्या करना है ना, यहां से क्या करना है, सॉल्व, है ना, इसको सॉल्व करना है. फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहां से कुछ ना कुछ जरूर आएगी. जब आप dy ओवर dx इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, तो यहां से कुछ ना कुछ x की वैल्यू आपके पास आएगी. वो कुछ भी हो सकती है, आप उसको a मानो या b मानो या कुछ भी मान लो. ठीक है, डिपेंड करेगा फंक्शन किस टाइप का है. ठीक है, तो a कुछ होगा 1, 2, 3, 1/2, 3/2, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, x की वैल्यू आएगी. तो इतना हो गया, फिर आपने ये कैलकुलेट कर लिया. बताऊंगा मैं कैसे कैलकुलेट करोगे. इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसको फिर से करेंगे, करके बताऊंगा, पहले समझते जाओ. ये निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सर, देन ध्यान से समझना, देन एट वैल्यू ऑफ x, यहां से जो भी आई होगी, लेट सी a, ठीक है, चेक, साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका साइन चेक करना है. बस अब मजा आ जाएगा, बस अब मजा आ जाएगा. यहां डी वाई ओवर डी एक्स जो आपने निकाला था, उसको इक्वल जीरो किया था, वहां से जो एक्स की वैल्यू आई थी, उस एक्स की वैल्यू को यहां से जो वैल्यू आएगी, जैसे ये फाइंड किया, उसमें एक्स की वैल्यू ए पुट करके इसका साइन चेक करना है, वो प्लस आ रहा है या माइनस. यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है. ठीक है, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी. सो अब क्या करना है सर, अब ध्यान से देखो बॉस. ठीक है, इफ, बस ये पॉइंट है, जो डबल डिफरेंशिएशन आपने निकालना है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर दोस्तों वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आती है उसकी वैल्यू. ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई और आपने चेक कर लिया, देन वाई की जो वैल्यू होगी ना, वाई की, वो मैक्सिमम होगी. वाई मैक्सिमम होगा एट x is equal to a पर. x की वही सेम वैल्यू जो यहां से आई थी, y की जो भी इक्वेशन आपको दे रखी थी, जो भी फंक्शन आपको दे रखा था, उसमें पुट करेंगे, वहां से उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. ये तभी मिलेगी जब ये डिफरेंशिएशन जो डबल आपने किया है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे y मैक्सिमम वैल्यू देगा. ठीक है, ये मैक्सिमम होगा इफ, अगर इसकी वैल्यू d, ये जो डबल डिफरेंशिएशन निकाला है आपने, ये पॉजिटिव आ गई बॉस, तो आपको जो y मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा एट x इक्वल टू a पर. वो जो भी वैल्यू होगी उस पे y की जो वैल्यू आएगी, फिर वो मिनिमम होगी. तो मतलब इसका साइन डिसाइड करेगा कब y मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे वो, किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम मिनिमम होगा, वो यहां से मिल जाएगा. dy ओवर dx को आप जीरो करेंगे, इसका मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, dy ओवर dx तो स्लोप होती है ना, यानी टेंजेंट थीटा को अगर आप जीरो करोगे, तो वहां से जो पॉइंट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी x की या r की या t की, व्हाटएवर जो भी होगा, उसको आप पुट करके देखेंगे, इसका साइन चेक करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे, अगर ये नेगेटिव आता है तो y मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव आता है तो y मिनिमम वैल्यू देगा, बस खत्म. यही होता है द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. ये स्टेप, बस आपने दो स्टेप याद रखने, बात खत्म. ठीक है, बिल्कुल लिख लो, पहले अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो. ठीक है, पहले अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं. एक बार आपने अप्लाई करना सीख लिया, फिर आराम से
यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है, टेंशन देने का, ठीक है. तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है. ओके, सो एक एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया. आप अभी डिसाइड मत करें कि मेरे को आया कि नहीं आया, सर ये चल क्या रहा है, ये कैसा कंसेप्ट है. अभी जब एग्जाम्पल के थ्रू आप ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो आपके तार खुल जाएंगे दिमाग के, यू डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स सी. देखो उसने बोला कि अगर एक्स इज इक्वल टू ये, अगर मैंने एक्स लिखा है तो एक्स के डिफरेंट ही वेरिएबल होगा. तो डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया, डिस्टेंस मैंने ले ली, इन टर्म्स ऑफ टाइम है, देख लो आप देख सकते हो टाइम है. उसने बोला फाइंड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो. तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यू नो आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपने देखा यार एक्स टाइम के टर्म्स में है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. डीएक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता है, टी की पावर वन है, 12 इसके मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, टी का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाता है, आप सबको पता है, माइनस t का स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा. फिर मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 कि जैसे ही dx अपॉन dt आएगा, यानी इसका पहला डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, इसको जीरो करना है तो जीरो कर दो इसको, तो 12 माइनस 2t आ गया, तो 12 इधर आएगा, इधर आएगा 2t, तो आप देख सकते हो t आ गया 6 सेकंड, ठीक है जी, t आ गया आपका 6 सेकंड, इतना ही बन रहा है ना यार, ऑब्वियसली, ठीक है. अब क्या करेंगे सर, अब ये जो t आया, जैसे मैंने अभी लिखा था x कैलकुलेट करना है, तो x का काम कौन कर रहा है, t, तो इस t पर आपको चेक करना पड़ेगा, ये इसका जो डिफरेंशिएशन आपने ये किया है और ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है डिफरेंशिएट करने के बाद, यहां से जो वैल्यू आई है, देखो dx अपॉन dt कितनी बची है, ये 12 माइनस 2t ये बची है, देखो, ठीक है ना, यही बची है ना बॉस, हाँ सर बची तो यही है. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसी को करना है, मैंने बोला था डबल डिफरेंशिएट करना है. तो जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो ये d की पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगी और नीचे dt स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर सेम प्रोसेस है, मतलब दोबारा से बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें t नहीं है, कांस्टेंट है 0, t की पावर 1 है तो ये 2 बचेगा. तो देख सकते हो आप d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर माइनस 2 आया और ये नेगेटिव है, और जब नेगेटिव होता है तो अगर ये नेगेटिव है, सो हियर you can write at t is equal to 6 x will be maximum. यही तो बताया था मैंने, अगर इसका साइन नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू कुछ भी हो नेगेटिव होना चाहिए बस, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आप ले रहे हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने निकाला है, उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे. तो यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो यहां पे आप रखोगे 12 इंटू टी, टी कितना है 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 72, 36, ठीक है, तो 36 ही बच रहा है. तो x की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मीटर सेंटीमीटर में जो भी होगी वो ये होगी, बस दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, ये आपने अप्लाई करना था. और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने यूज किया है कंसेप्ट को, ठीक है. और डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंशिएट पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू है उसको दोबारा कर दो यार, उसी को डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, सिंपल है, ठीक है. एक और एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी. तो ये आपके पास है, आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, ध्यान से प्रैक्टिस करें. ये कंसेप्ट जब जब यूज होंगे पूरी फिजिक्स में, जिस भी चैप्टर में, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि हमने वहां ऐसा किया था, अब यहाँ पे हमने ऐसे कर देना, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा बहुत आसान, हो जाएगा ना बॉस, ठीक है, बोल दो हम तो बोल दो यार, ठीक है. ओके बॉस, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको देख लो, आप उसको समझ लो, उससे दोस्ती कर लो, यारी कर लो, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है. अब आपको समझ में आ गया होगा यार, थोड़ा सा तो आ ही गया होगा कि कैसे करना है, अप्रोच कैसे लगाना है, और अगर अच्छे से आ तो मेरे से पहले उड़ा डालो, ठीक है. पहले देख लो पूछा क्या है. देखो भाई, एक फंक्शन दे रखा है, y दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, तो ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है. उसने बोला इसकी मिनिमम, अब जब उसने डिफाइन कर ही दिया कि मिनिमम वैल्यू निकालो, तो भाई मिनिमम ही बनेगा फिर ये पक्का, तो हमें बस कंडीशन चेक करनी है. देखो तो सर, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है y की, यानी हमें y की सबसे कम वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो पहली बार, तो ये आएगा 2x. अब ये समझ गए होंगे x की पावर 1 है तो -3 और ये तो 0 हो जाएगा, तो dy ओवर dx आ गया आपके पास 2x माइनस 3, ये आ गया. फिर मैंने आपको बताया था पुट dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 फॉर y मैक्सिमम और मिनिमम,
अगर आप y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो, चूंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम ही कंडीशन होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो यार इसको जीरो कर दो, तो यार जीरो करेंगे इसकी जगह तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो हो गया, तो x आ जाएगा 3 बाई 2। तो इस x पर, ये जो x आया है, हमें चेक करना पड़ेगा इसका डबल डिफरेंशिएशन का साइन क्या है, समझिए। और मिनिमम के लिए प्लस आना चाहिए, मैक्सिमम के लिए माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, 2 बचेगा जीरो। उत्तर की आप चेक कर पा रहे होंगे 2 है सर, और ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव है। मतलब वी कैन से अगर ये डिफरेंशिएशन डबल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका जो फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, दैट इज द मिनिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे निकालेंगे, इस एक्स की वैल्यू पे। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे y को, यहाँ पे जो दे रखा है इसकी जगह x की जगह बस 3 बाई 2 पुट करो, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 1, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये आएगा 9 बाई 4 माइनस 9 बाई 2 प्लस 1, एलसीएम ले लो 4, तो 9 माइनस 2 18 प्लस 4, है ना, तो 13 माइनस 5 बाई 4, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। चेक करें आप जल्दी जल्दी, मैंने कैलकुलेशन किया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो आप चेक कर लेंगे, ओके। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, तो हमें कैसे पता चला मिनिमम है, इसके साइन से। प्लस आया तो मिनिमम निकलेगी, और अगर ये माइनस आता तो इसकी वैल्यू जो भी ये देता फंक्शन वो मैक्सिमम होती, एंड दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, स्टेप नंबर वन, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो करना है, वहां से वो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जिस पे वो या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये था आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट। तो इसको आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है, और डीपीपी में कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिया मैक्सिमम मिनिमम वाले, वो आपको सॉल्व करने हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो दैट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मास्टरी हो जाएगी कैलकुलेशन पे, फिजिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, बार बार करना, एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है इसको, बार 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 डिफरेंशिएशन, जितनी मैथमेटिक्स है बेसिक, सबको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, जब तक आपके दिलो दिमाग में समा ना जाए, ठीक है, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।